हाँ जी, क्या हाल चाल? तो जी आज आपको दिखाते हैं जापान में रॉयल एनफील्ड का शोरूम, मिलाते हैं कुछ रॉयल एनफील्ड के राइडर से और लेते हैं उनके कुछ रिव्यूज, और नजर डालते हैं जापान के राइडिंग कल्चर के ऊपर भी कि आखिर इंडिया से कितनी अलग है यहाँ की राइडिंग कम्युनिटी। तो आज हमारे पास कॉन्टिनेंटल जीटी, यही कहाँ से ये मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले आपको दर्शन कराते हैं शोरूम के। तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की सारी सीरीज मिल जाती है, कॉन्टिनेंटल, क्लासिक 350, स्क्रैम, हंटर, इंटरसेप्टर और अब तो सुपर मेटियोर भी यहाँ लॉन्च हो गई है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक कौन सी है, गेस करो। तो क्लासिक 350 यहाँ इंडिया से थोड़ी सी महंगी बिकती है, यहाँ पे उसकी प्राइस है 4 लाख रुपए के करीब, और कॉन्टिनेंटल जीटी मिलती है यहाँ पे 6.5 लाख रुपए के करीब। तो इंडिया में तो दो दो बाइक आ जाएंगी सेम प्राइस में। वैसे रॉयल एनफील्ड अभी भी थोड़ी रेयर बाइक है जापान में, लोग अभी भी रुक रुक कर देखते हैं जहाँ भी ये बाइक मैं पार करता हूँ, और शायद मेरे रिव्यूज थोड़े बाइस भी हो सकते हैं एज अ फैन बॉय। लेकिन जानते हैं जैपनीज राइडर क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में, जो खुद एक साल से इस बाइक को राइड कर रहे हैं। これはあの京都のこれ古いですか？いや、いつ買いました？ちょうど1年ですね。どうですか？いや、いいバイクです。楽しいです。ね、速くはないですけども、そうです、はい、全然こうやってゆっくり走る分にはね、すごくいいバイクなんで、めちゃめちゃ気に入ってますね。レトロっぽいな。तो जापान में राइडिंग कल्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ माइलेज, स्पीड, सीसी कोई कुछ नहीं देखता, बस ऐसा हॉबी बाइक को चलाते हैं। अब आपको लेके चलते हैं जापान के बाइकर्स कैफे में और दिखाते हैं वहाँ का राइडिंग कल्चर कैसा और वहाँ बाइक कौन सी चलाते हैं लोग। मासुदा का घर। तो अभी यहाँ पे एक राइडर्स कैफे है, मतलब वहाँ पे खाली बाइकर्स आते हैं और कॉफी वॉफी खाना वाना मिलता है, नॉर्मल कैफे जो होता है। ये रहा कैफे, बाइकर्स इन ट्रस्ट। बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं यार, तो पूरी भीड़ लगी है। तो इस राइडर कैफे में कई लोग ग्रुप में आते हैं या फिर कई लोग मेरी तरह सोलो राइडर्स, और बाइक चॉइसेस होती है बहुत इंटरेस्टिंग। किसी के पास 20 लाख की डुकाटी डीएवएल होती है, तो किसी के पास होंडा की डेक्स, रेट्रो एस 1200 भी थी और हार्डले गैंग्स भी आए हुए थे। यहाँ सबसे धांसो जो बाइक लगी ना मुझे ये थी, कस्टमाइज स्टैंड में लगे हुए थे ईगल क्लॉज और जॉकी शिफ्टर के साथ, बाइक स्ट्रेट फ्रॉम मैड मैक्स। बाकी डुकाटी स्क्रैम्बलर, बीएमडब्ल्यू और यामाहा तो कॉमन है ही। जापान के राइडिंग कल्चर की ना सबसे खास बात यह है कि जब ये लोग बाइक चेकआउट करते हैं तो कोई भी बाइक टच नहीं करता। वैसे ये चीज तो लोगों ने रिएक्शन वीडियो में भी गौर करी थी। तो मैं खाना निपटा ही रहा था तभी वहाँ पे कपल आया और उससे थोड़ी बहुत मैंने गप्पे लड़ाई। めったに見ないですもんね、こっちの方は。そうです。GB 買うんだったらこっちかい。お兄さん、どこの国の方ですか？どの国の方？インドじゃないです。インドか。インド結構なんか日本にバイク来てますね、そういう。いっぱい。日本でみんなそんなにバイクは乗らないね。多い。外国に比べたら。そうです。少ないですね。車の方がいっぱい。アメリカとかかな、うん、ハーレーとか、はいはい、そうね。学生ですか？学生です。はい、उनके पास बड़ी बाइक का लाइसेंस नहीं था, तो मैंने कहा आप चला तो नहीं सकते, लेकिन बैठ के तो देख ही लीजिए।重いですか？すごい。そこまで重くない。でしょ？足短い。足は。तो वैसे तो वो होंडा की GB 350 लेने का सोच रहे थे, लेकिन शायद मैंने अब उनका हृदय परिवर्तन कर दिया है। अब देखते हैं कौन से बाइक लेते हैं वो लोग। जापान में यूजुअली लोगों से कन्वर्सेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, यूजुअली बहुत शाही होते हैं ना। स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर ऐसा देखा है मैंने, आइस ब्रेकिंग करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाय बंदा हाय करता हुआ जा रहा था। इस तरह के राइडर कैफे बहुत ज़्यादा नहीं है जापान में, मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं, और एक बार मुझे उनसे बात करनी है, बोसोज़ोको जो नहीं होते हैं गैंगस्टर बाइकर गैंग जो होता है, क्योंकि वो भाई एक रूल नहीं मान के देते,
मतलब कार्बन एमिशन हो गया या नॉइस पॉल्यूशन हो गया, एक रूल मान के नहीं देखते वो, उनकी बाइक भी बहुत ऐसे क्लास होती है, बस वो शोर ज़्यादा मचाते हैं और तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आमेमुरा पे मैं जा रहा था तो आगे दो तीन बंदे चल रहे थे, उसमें मैंने हॉर्न नहीं बजाया था, ये वाली वीडियो। तो कई बंदों का कमेंट आया था कि तुमने हॉर्न क्यों नहीं बजाया, वो मतलब कोई रूल है क्या? तो ऐसा रूल नहीं है, बस वो है कि नॉइस पॉल्यूशन है। बाकी जापान में ना हॉर्न बजाना ऐसा कॉमन नहीं है, मतलब 9 साल हो गए मैंने खाली 9 बारी हॉर्न सुना होगा। और हॉर्न बजाने का यहाँ ऐसा मतलब होता है कि बहुत इमरजेंसी होना तो बजा दो, ऐसे फालतू में रोड ही तो क्रॉस कर रहा है उसके लिए क्या हॉर्न बजानी। बाकी बाइक थोड़ा पास ले जाओ, बाइक की आवाज़ है उससे साइड में हो जाते हैं। उल्टा साइकिल की जो ट्रिन ट्रिन नहीं होती वो भी कोई नहीं बजाता यहाँ पे। वही है कि जब बिना हॉर्न बजाए काम हो रहा है तो हॉर्न बजाना ही क्यों। आज मुझे अपने रॉयल एनफील्ड की सर्विसिंग भी करानी है, मैं सोच रहा हूँ वो भी करा लेता हूँ। ये आ गया रॉयल एनफील्ड का शोरूम। यहाँ एक्चुअली बहुत सारी बाइक बिकती हैं, जैसे खड़ी है रॉयल एनफील्ड की हंटर। तो मैं तो वहाँ बाइक की सर्विसिंग कराने गया था, लेकिन वहाँ अवेलेबल थी टेस्ट राइड के लिए कॉन्टिनेंटल जीटी और मीटियोर 650। उसने कहा ट्राई करनी है, मैंने कहा क्यों नहीं। तो ये रही हमारी कॉन्टिनेंटल जीटी, हमारी तो नहीं मतलब एक घंटे के लिए दी उसने टेस्ट राइड के लिए। सुगो है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है यार। ओह अरे बड़ा अच्छी सी बाइक है यार ये तो, मैं पहली बार कोई कैफे रेसर स्टाइल बाइक चला रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी बाइक की ना खाली सर्विसिंग कराने आया था, मैंने ऐसी हवा में पूछ लिया कि अच्छा कॉन्टिनेंटल जीटी कैसी है, मतलब कितने की मिल रही है, क्या सीन है। उसने कहा टेस्ट राइड लेनी है क्या? मैंने कहा मिल सकती है? कह रहा हाँ भाई मिल सकती है। मैंने कहा ओ बेटे टेस्ट राइड ले ही लेते हैं। और मुझे लगा ऐसे 20-30 मिनट के लिए देखे, उसने बोला है कि एक घंटे आराम से चला के आओ, कोई चलाने वाली लोड नहीं है। फिर मैंने उससे कहा अच्छा सुपर मीटियोर पड़ी है तुम्हारे पास? कहता हाँ वो भी पड़ी है। मैंने कहा वो भी मिल जाएगी क्या? कह रहा हाँ चला लो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही घंटे के लिए। नाइस। अरे यार मन सा कर रहा है लेने का। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव है, बाकी तो चलाने में काफ़ी अच्छी है। अब मेरे मन में ऐसा लालच आ रहा है ना, मैं हर शोरूम में जा जाके हर बाइक ट्राई करूं, कम से कम एक एक घंटे महंगी बाइक चलाने को मिलेगा। रॉयल एनफील्ड जापान में इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि इनकी ना मार्केटिंग बहुत अच्छी से नहीं हो रही, मतलब लोगों को ब्रांड ही नहीं पता है रॉयल एनफील्ड का। अच्छा, कई लोग का कमेंट आया था कि मुझे रॉयल एनफील्ड वाली जो वीडियो नहीं थी मेरी, उसको बनाने के लिए मैंने पैसे लिए हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने बस मुझे ब्रांड पसंद है इसलिए मैंने बना दी थी। तो ना मुझे तब पैसे मिले थे और ना अभी तक मिले हैं, और ना ही उनका यार कोई मैसेज भी आया, मतलब रॉयल एनफील्ड का कोई अप्रिसिएशन मैसेज भी नहीं आया। मैं पहली बार कोई कैफे रेसर बाइक चला रहा हूँ और लिटरली दिल आ गया यार। मतलब पावर तो ऑफकोर्स पता ही लगती है, 350 cc से 650 cc में आते हो अगर, और साउंड वाउंड भी काफ़ी अलग है। साउंड तो इसका अच्छा ही है, लेकिन राइडिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है, तो लॉन्ग राइड में पता नहीं कितना क्या पेन होगा, लेकिन वैसे मज़ा आ रहा था भगाने में। अच्छा, उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने टाइम के लिए ले आनी है, मुझे लगा 20-30 मिनट के लिए देते होंगे जैसे इंडिया में देते हैं। तो उसने कहा कि नहीं ले जाओ 1-2 घंटे के लिए, कोई ऐसे लोड नहीं है। मैंने कहा इसके बाद सुपर मीटियोर चला सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ 650 ना रिलीज़ हुई है अभी 3-4 महीने पहले। तो उसने कहा हाँ वो भी ले जाओ 1-2 घंटे के लिए। तो अब मेरे मन में ना लालच आ रहा है मैं हर महंगे महंगे शोरूम में जाऊँ, BMW सुजुकी वगैरह, और टेस्ट राइड लूँ हर जगह जाके। कैफे रेसर वैसे इतनी हैवी होती नहीं है, लेकिन ब्यूटी कितनी सुंदर है, और इसका फीट स्टाम्प्स पीछे है ना, तो बार बार मैं क्लासिक की तरह यहाँ रख रहा था, और सुपर मीटियोर में तो यहाँ पर है। तो ये आ गई हमारी सुपर मीटियोर 650। जमीन आसमान का अंतर है कॉन्टिनेंटल, क्लासिक और मीटियोर में, मतलब राइडिंग स्टांस में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एक रिलैक्स है। और भाई ये तो ऐसी है कि चिल करो इस बाइक पे। ये बाइक भी मुझे 1 घंटे के लिए दी गई है, तो इसको भी थोड़ा पहाड़ों पे दौड़ाते हैं यार। बाइक चेंज करने का इतना मन है ना मेरा, अभी मेरा मन हो रहा है कॉन्टिनेंटल जीटी लेने का। अच्छी बाइक है लेकिन बड़ी बहुत है। मतलब जापान में पार्किंग इतनी बड़ी होती नहीं है ना, तो मतलब एक कार जितनी जगह तो ले ही रही है ये, जो यहाँ पे के कार होती हैं। अभी ये हल्के हल्के पेड़ लाल हो रहे हैं, यहाँ पे ऑटो आने वाला है ना, मतलब मुश्किल से 1 महीने बाद आ जाएगा। वैसे सुपर मीटियोर की एक बात मुझे बहुत सही लगी, कंफर्टेबल बहुत है, मतलब क्रूज़र नाम को ना जस्टिफाई कर रही है। वैसे इस बाइक का पिकअप बहुत सही है,
मतलब मैं तो जैसे 350 चलाई है उसके बाद 650 चला रहा हूँ, तो मेजर अंतर जो मुझे लग रहा है वो इसमें लग रहा है पिकअप में, क्योंकि अभी भी क्लासिक 350 है वो उससे ना ओवरटेक करने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि थ्रॉटल में उतनी जान नहीं है ना, पिकअप बहुत अच्छा नहीं है उस बाइक का, लेकिन इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये जो रॉयल एनफील्ड का शोरूम है ये कंट्री साइड एरिया में है, तो ये पूरा कंट्री साइड एरिया दिख रहा होगा, एक भी बिल्डिंग यहाँ दो मंजिले के ऊपर नहीं दिखेंगे तुम्हें, और खेत दिखेंगे भरपूर। और यहाँ पे जो आसपास के पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे रात में बाइकें अलाउ नहीं होती, क्योंकि लोग ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करने लगते हैं वहाँ पे, और जो इलीगल साइलेंसर होते हैं वो सब लगा लोगों के, मतलब वेला शोर मचाते हैं, तो गाँव वालों को दिक्कत होती है। तो कई पहाड़ों पर ना बाइकें अलाउ नहीं है एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद। बाकी कंट्री साइड एरिया में बाइक चलाने में मज़ा तो आता ही है, बहुत दूर दूर हेडलाइट होती हैं, बस चलते चले जाओ। तो मेरे बाइक लौटाने के बाद उस बंदे ने मुझे घोर संकट में डाल दिया। उसने बोला कि अपनी क्लासिक 350 बाइक में अगर उसको बेचता हूँ तो वो कॉन्टिनेंटल जीटी नई मुझे 5 लाख येन में दे सकता है। अब मैं घोर संकट में हूँ कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या।